हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, यहाँ पे जो है ना, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये पोर्टेबल है और इसमें जो है प्लम्बर की फ़िटिंग हो चुका है। होने के बाद जो है यहाँ पे इसमें टेस्टिंग होता है, प्रेशर मारने के बाद जो यहाँ पे टेस्टिंग होता है, जो फिटिंग होता है, फिटिंग के बाद जो है वो टेस्टिंग होता है कि कहीं पे लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो चलिए मैं आज वही दिखाता हूँ यहाँ पे हम किस तरह से जो है काम कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो है पूरा सेटअप है, मशीन है, ये मोटर है और इधर हैंड पंप है जिससे प्रेशर लगाना पड़ता है, और ये मीटर है लगा हुआ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी लगा हुआ है। ये मोटर से जो है पानी को जो है हम लोग चलाते हैं। हम नीचे की तरफ जो है हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो है बॉल हम लगा करके टाइट किए हुए हैं। ये वाला जो है कनेक्शन हम चेक कर लिए हैं, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये जो है बॉल लगा हुआ है और बाकी ये पूरा जो है कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो जो है हम जो है अभी यहाँ से खोल करके और दूसरे वाले हमाम में जो है लगाएंगे। ये देखिए इधर जो है लगा हुआ है, तो पहले इधर से जो है खोल करके दूसरे वाले में जो है लगाएंगे और पूरा आपको जो है तरीका दिखाएंगे किस तरह से जो हम चेक करते हैं। तो पहले इसको हम खोल लेंगे जो है एंगल वॉल को, सबको खोल लेते हैं और उसके बाद जो है हम आपको दिखाएंगे जो है दूसरे वाले जो है बाथरूम में इसको फिटिंग करेंगे, उसके बाद जो है हम आपको दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो जो है पूरा जो है अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से काम करने के बाद जो है प्लम्बर का जो है टेस्टिंग वगैरह होता है, ताकि साइड पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम जो है इसको खोल ले रहे हैं अच्छे से, पूरा अच्छे से खोल लेंगे, पूरा वॉल्व वगैरह खोल लेंगे। ये WC का पॉइंट है, तो इसको खोल लिए हैं, देखिए पानी निकल रहा है। असल में वो पहले नीचे से नहीं खोला हूँ ना, इसलिए जो है पानी निकल आया, नहीं तो पानी नहीं निकलता। तो हम इसको जो है खोल लिए हैं टेप्लोन वगैरह लगा करके, पर ये गीज़र का पॉइंट है, गीज़र का पॉइंट है, फ्लेक्सिबल लगा करके जो है ना दोनों कनेक्शन जो है टेस्ट हो जाता है, इससे ठंडा भी और गर्म भी एक साथ। तो हम इसको भी जो है खोल लिए हैं, खोल लेने के बाद आप जो है दूसरे वाले हमाम में जो है लगाएंगे। तो हम अभी जो है दूसरे वाले जो है बाथरूम में आ गए हैं, अभी हम टाइट कर रहे हैं यहाँ पे एंगल वॉल। तो ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से जो है हम एंगल वॉल जो है टाइट कर दिए हैं, और ये गीज़र का पॉइंट है, ये भी जो है फ्लेक्सिबल टाइट करेंगे, और उसके बाद आगे का जो प्रोसीज़र है वो आपको हम दिखाते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होता है। तो ये हमने पूरा लगा दिया, अब ये हम आ गए हैं मोटर के पास। तो ये जो है स्विच है, तो हम इसे दबाएंगे तो मोटर चालू हो जाएगा, और ये जो है पंप का सिस्टम है, जो हम यहाँ से जो है हैंड इसको खोल करके यहाँ मारेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। मोटर क्या काम करती है, सिर्फ पानी चढ़ाता है, ठीक है, और इससे जो है प्रेशर लगता है, प्रेशर पंप है ये, ठीक है। तो यहाँ से भी इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ और नीचे से भी जो है गया हुआ है, तो हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो है ये वाले वॉल को भी जो है हम बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम ये वाले को खोल देंगे, ये बॉल वाल्व को खोल देंगे। बॉल वाल्व को खोलेंगे तो ये पानी जो है मोटर चालू होगा तो सीधे सराख से उधर पानी जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम ये चालू कर दिए, मोटर जो है चालू हो चुका है, ठीक है, मोटर चालू हो गया है, पानी अभी चल रहा है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, देखिए ऑटोमेटिकली बंद हो गया है, फिर बंद करेंगे, चालू करेंगे। बंद हो गया है, ठीक है। अब हम आपको प्रेशर दिखाते हैं, यहाँ पे कितना प्रेशर आ चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से खोलेंगे, उसके बाद यहाँ से हम हैंड पंप चलाएंगे, ये देखें
देखिए बढ़ रहा है, से ऊपर मीटर जा रहा है, दिख रहा है ना दोस्तों। अब ये हम इसे 150 पे करेंगे, 150 तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी 150 पे करेंगे, 150 का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम इसे जो है यहाँ लॉक कर देंगे। अभी हम ये मार दिए हैं यहाँ पे इतना, उसके बाद हम लॉक कर दिया। अब यहाँ हम चेक करने के लिए आए हैं कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पे हमें लीकेज वगैरह नहीं मिला है। इधर भी चेक कर लिए हैं, लीकेज नहीं मिला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से जो है खोल करके, अभी हम फिर से देखिए खोल दिए हैं, फिर से पानी निकाल करके फिर से चलाएंगे ताकि जो एयर वगैरह रहता है वो निकल जाए, ठीक है। तो हम ये निकाल दिए हैं, फिर से जो है पानी से चढ़ाएंगे, फिर से मोटर चालू करके फिर से जो है पानी चढ़ा रहे हैं। और चढ़ाने के बाद जो है दोस्तों फिर जो है टेस्ट करेंगे। तो अभी हम पानी चढ़ा दिए हैं, अब जो है बाल्टी लेकर के जो है प्रेशर जो है देखेंगे पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखिए पानी आ रहा है, ठीक है, देखिए पानी गिर रहा है, अब देख सकते हैं। ये ज़्यादा पानी नहीं निकालना है हम लोगों को, थोड़ा थोड़ा ही निकालना है। ये देखिए पानी आ रहा है, ठीक है, ये ठंडे की पॉइंट से पानी आ रहा है। पहले ठंडा ठंडा जो है देख रहे हैं, ठंडे का पॉइंट में पानी आ रहा है, उसके बाद जो है इसमें भी देखेंगे, देख सकते पानी आ रहा है। ये देखिए पानी आ रहा है। तो दोस्तों हमारा ये जो है टेस्टिंग हो गया है, और हम क्या करेंगे, ये जब पानी आ रहा है ये हम थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के जो है बकेट में रख लिए हैं, फिर से जो है वो वाले बकेट में जा करके जो है पानी वो ड्रम में डाल देंगे। उसके बाद जो है 150 पॉइंट करके प्रेशर मार करके छोड़ देंगे आधे घंटे एक घंटे, देखेंगे कि जो है वो मीटर अगर कम नहीं हो रहा है तो समझो जो है आपका पूरा कंप्लीट है, फिर जो है दूसरे हमाम में हम काम करते। तो इस तरह से काम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।